तो पहले थैंक्स करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट हीरो का जिन्होंने हमें बाइक शूट करने के लिए दी और रिव्यू करने के लिए दी। तो हीरो एक्सट्रीम की बात करते हैं, अगर आपको टैंक देखने में बहुत ज्यादा यूज है तो ये टैंक है 10 लीटर्स का जो कि प्रोवाइड करता है आपको 55 kmpl का माइलेज। इधर साइड में आपको एक्सट्रीम के बैचिंग मिल जाएगी। और लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से साइड से लुक होने वाला है विद हीरो का रिफाइन इंजन, क्योंकि इस बार इंजन थोड़ा ट्यूनअप किया गया है तो इससे आपके पावर भी मिल रही है, माइलेज भी मिल रही है। बाकी पूरी तरीके से लुक इस तरीके से दिया गया है, यूएसडी फॉक्स दिया गया है यहाँ पे और पीछे शॉकर है, मोनोशॉक, हाँ मोनोशॉक है। और टायर आपको इस तरीके से दिया गया है, ये एक ग्रिप वाला टायर है, लाइक आपकी ऑफ रोडिंग भी काम अच्छा आएगा और सिटी में भी टायर है, ये ग्रिप होल्ड करने वाला टायर, सिटी में भी चला पाओगे ऑफ रोडिंग भी कर पाओगे। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से पीछे का मड गार्ड दिया गया, मड गार्ड बहुत सही है, लाइक मेटल का प्योर मेटल दिया गया। और प्रोफाइल जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ बाइक का, ब्लैक कलर बहुत प्यारा लग रहा है बाइक। फ्रंट में आपको मिल जाता है LED DRLs, ठीक है यहाँ पे, और प्रोजेक्टर LED, ओके। और ये आगे सामने आपको मिल जाएगा इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छे वाला फ्रंट टायर। बाकी डिस्क पैड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाती है, मैं ब्रेकिंग बताता हूँ, तो ब्रेकिंग है बाइब्रे की, ठीक है बाइब्रे और ब्रिम्बो दो ब्रेक्स बहुत अच्छी काम करते हैं। ब्रिम्बो ज़्यादातर BMW वाले यूज़ करते हैं और बाइब्रे अदर कंपनियाँ यूज़ करती हैं लाइक यामाहा एंड अदर बाइक्स। तो साइड से है इधर का प्रोफाइल, मैंने बताया था साइड से होल्डिंग है मड गार्ड की, तो जो आपको साइड का प्रोफाइल भी अच्छा लगेगा। और बाकी टायर्स की बात करते हैं, कितने सेक्शन में कितने सेक्शन के हैं, 120x80 के हैं, ठीक है। तो टायर सेक्शन 120x80 ओके ओके वाला है, एरिया सेक्शन अच्छा है टायर्स का। सीट की बात करते हैं तो सीट की कंफर्ट अच्छी है, पीछे जो पिलन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिया गया है, राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया सेक्शन है, बाकी स्प्लिटेड वाली सीट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल मामला रहा, राइडिंग स्टाइल नॉर्मल रहेगा इसमें, कोई अग्रेसिव स्टाइल नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हैंडल की पोजीशनिंग की गई है तो आप जब भी इस पे बैठोगे ना तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के राइड करोगे। बाकी आपके सामने जितनी विजिबिलिटी आएगी, एक अगर मैं आइडिया देता हूँ तो आप जब यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करोगे तो आपको सामने पूरा विजिबल अच्छे से बनेगा, ओके। पीछे यहाँ पे ग्रैबल्स दिए गए पिलन के लिए, बट पिलन के लिए लाइक ट्रैवलिंग 100 to 100 kilometers के लिए ओके है कि इधर, उसके बाद थोड़ा मुझे लगता है रेस्ट लेना पड़ेगा। तो लेडीज फुटरेस्ट आप लगवा सकते हैं, वो ऑप्शनल है, अगर आपको नीड हो तो आप लगवा सकते हैं इधर साइड से। बाकी फुटरेस्ट की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है, बाकी ओपन चैन सिस्टम है, बट चैन क्वालिटी अच्छी है, इंजन ट्यूनिंग अच्छी है। मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ कि आपको मीटर कंसोल कैसा मिलने वाला है, ठीक है। हीरो की तरफ से यहाँ पे पैचिंग मिल जाएगी आपको, जब भी आप इसको इंसर्ट करोगे DRLs आपके ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, इसके साथ आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा, गियर इंडिकेशन दिख जाएगा, स्पीड दिख जाएगा, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप सेट कर सकते हैं, टाइम दिख रहा है आपको, यहाँ पे RPM आपका दिखाया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, मेंशन की गई, जिससे आपको एक नॉर्मल राइड करने में ईजी रहे। बाकी यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन है, इंजन लाइट दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे RPM का भी दिया गया है, न्यूट्रल इंडिकेशन भी दिया गया है। दो तीन चीज़ें दी गई जो आपके बेसिक नीड के लिए, बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ें। दो मॉडल्स आते हैं इसमें, एक सिंगल चैनल ईबस आता है, एक बेसिक मॉडल आता है, तो ये सिंगल चैनल ईबस वाला मॉडल है। यहाँ पे बात करते हैं बाइक का वेट का, तो आपको बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा किया गया, 139 kg की बाइक है, तो आराम से आप इसको चला लोगे, कोई भी स्लिम ट्रिम बंदा भी चला लेगा और कोई हैवी बंदा भी इस बाइक को आराम से हैंडल कर लेगा। तो बाइक का वेट मैनेजमेंट अच्छा है, लाइक जो एरोडायनेमिक्स हैं वो प्यारे दिए गए, जिससे आपको बाइक राइड करने में कोई इशू नहीं होने वाली है। तो मेरे हिसाब से बाइक काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग होने वाली है, जब भी आप इसको मार्केट में लेके जाओगे तो लोग ज़रूर इसको नोटिस करने वाले कि भाई बाइक में दम है, ठीक है। बहुत प्यारी लग रही है बाइक साइड से, ब्लैक ग्लॉसी कलर बहुत शाइन कर रहा है, और आप अगर बाइक को इसी तरीके से मेंटेन रखोगे तो नो डाउट ये बहुत परफेक्ट लगने वाली है। बाकी आपको साइड प्रोफाइल में देख रहे हो कोई एकदम स्पोर्टी लुक दिया गया है, साइड का जो एग्जॉस्ट है वो भी प्यारा है, और इधर से आपको पीछे से टेल लाइट दी गई है, अगर मैं ओपन करता हूँ टेल लाइट कुछ इस तरीके से दी गई है, जब आप इसको ब्रेक प्रेस करते हो, जब ब्रेक प्रेस करोगे तो लाइट की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ब्रेक प्रेस करके दिखाना, ये देख रहा हूँ कि साइड के इंडिकेटर्स में दिखा देता हूँ ऑन करके आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से LED इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं इस बार 2024 में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड नहीं कराने पड़ेंगे, लोग ज़्यादातर हैलोजन वाले इंडिकेटर्स को अपग्रेड करा के LED में कराते हैं, बट इसमें आपको प्री इंस्टॉल LED इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं, जो कि प्लस पॉइंट है यार, ठीक है। बाकी हीरो काफ़ी इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपनी ने काम किया है हर चीज़ पे, तो बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड क्लियरेंस 180 की मिल जाती है इसमें, बाकी साइड प्रोफाइल बहुत ऑसम है। तो सिंगल क्लिक में ऑन हो जा रही है, और एग्जॉस्ट आपको सुनाता हूँ,
काफी बेसी वॉइस रखी गई है और यहाँ पे आपको साइड में सामने आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर एलईडीज जो कि काफी ज्यादा अच्छी लाइट विजिबिलिटी कर रहा है मेरे हैंड पे देख रहे हो, तो काफी अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे आपको हीरो की पैचिंग मिल जाएगी जो इनका लोगो है। बाकी हॉर्न वॉर्न अच्छा है, यहाँ पे अगर आप हॉर्न देखो तो काफी लाउड हॉर्न दिया गया है, मतलब एग्जॉस्ट भी काफी प्यारा है 125 सीसी के हिसाब से, इंजन बहुत ज्यादा ट्यून्ड और रिफाइन किया गया है, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ इंजन का ही साउंड है। बाकी देख रहे हो काफी ज्यादा स्मूथ फीलिंग है बाइक में, तो E20 काफी ज्यादा अच्छे से लाइक जो मॉडल्स आ रहे E20 वाले वो काफी ज्यादा रिफाइन है, पावर भी अच्छा है, रिफाइन भी है, तो काफी ज्यादा बेटर है। और सबसे नोटिस करने वाली चीज अगर आप दिखाएं तो किक मिल जा रही है, चीज क्वाइट गुड, 125 सीसी में ज्यादातर किक मिस आउट हो रही है, इसमें किक दी जा रही है। बाकी प्राइसिंग और डाउन पेमेंट क्या होने वाली है वही बताते हैं इसकी, और एक अच्छा सा टेस्ट राइड वीडियो करेंगे। सारे प्राइसिंग में मिल गया कॉन्सेप्ट हीरो की तरफ से, ठीक है। तो एक्सोनम इसका 94,911 है, इसका IBS वाले, इसमें दो मॉडल आते हैं IBS और ABS, ठीक है। तो ABS वाला जो मॉडल है इसका एक्सोनम 99,000, ठीक है। तो बाकी ऑन रोड की बात करता हूँ, हमारे हरदोई RTO हर जगह का RTO अलग होता है, तो हरदोई का जो RTO मिला के अगर बात करते हैं IBS वाले मॉडल की तो इसकी पड़ेगी 1,15,200। बाकी डिस्काउंट अगर आप यहाँ शोरूम विजिट करेंगे जब कॉन्सेप्ट ले लो तो यहाँ का स्टाफ आप जब मेरा नाम लेंगे या फिर कॉन्टेक्ट करेंगे यूट्यूब से तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया जाएगा। बाकी बात करते हैं ऑन रोड जो ABS वाला मॉडल है उसकी बात करते हैं, तो उसकी ऑन रोड जो प्राइस दी गई है ऑडियो मिला के तो वो पड़ेगी 1,21,500, ठीक है। बाकी इसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट हीरो की तरफ से दिया जाए वो मिल सकता है। बाकी आप जो भी लोग डाउन पेमेंट की बात करते हैं कि डाउन पेमेंट भाई कितना डाउन पेमेंट देकर आप इसको खड़ा कर सकते हैं बाइक को ले जा सकते हैं, तो मिनिमम डाउन पेमेंट 25,000 का दिया गया। अब हमारे पास आ गई हीरो एक्सट्रीम 125R, इसका हम टेस्ट राइड लेके बताएंगे और कैसे होने वाली है। तो ये बाइक टेस्ट राइड होगी पिलन के साथ, भाई हमारे हैं शोरूम की तरफ से, इनके साथ टेस्ट राइड होगा हमारा और बाइक के बारे में बताएंगे आपको कि पर्सनल राइड एक्सपीरियंस कैसा है, पावर कैसा है, कैसे क्या बाइक में पंचीनेस है कि नहीं, 125R कैसे परफॉर्म करती है, तो इसको चेकआउट करते हैं। ओके काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो भाई, ग्राउंड क्लियरेंस सीट हाइट 79 mm की है, तो आराम से मेरे पैर लग जा रहे हैं, मैं हूँ 5.8 या 9 का समझ लो, तो मैं आराम से मेरे पैर लग रहे हैं, आराम से बेंड भी हो पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी स्लिम ट्रिम बंदा भी चला लेगा इसको और एक हैवी वेट बंदा भी चला लेगा। सो इस तरीके से ऑन हो गई है, बाकी इसको मैं देख रहा हूँ आराम से इसको घुमा भी पा रहा हूँ, कॉर्नरिंग करने में मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत होने वाली, इतनी लाइट वेट बाइक है। सिंगल क्लिक में ऑन हो गई है और गियर इंडिकेटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, गियर फर्स्ट गियर में करी बाइक। ओके तो अब हम दो लोग जा रहे हैं, तो भाई को देख लो आराम से बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि सीट एरिया काफ़ी है, तो कंफर्ट हम दोनों लोग आराम से बैठ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको टेस्ट राइड करके मैं बताता हूँ क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मुझे इस बाइक को लेके। ओके सो फर्स्ट गियर में गई बाइक, सो इंजन काफ़ी रिफाइन किया गया इस बार 125R का, तो बात करते हैं मिरर्स की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है और जो नए स्टाइल के मिरर्स दिए गए हैं इससे मैं पूरा आराम से विजिबल कर पा रहा हूँ। बाकी बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें, आई कैचिंग बाइक है, लोग देख रहे हो अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं, लोगों का रिएक्शन काफ़ी प्यारा आ रहा है इस बाइक को लेकर, और मुझे बाइक राइड करने में बहुत ईजी, हैंडल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, नो वाइब्रेशन है, और मुझे जो फुट रेस्ट है ना बहुत अच्छे से मेरे इसमें प्लेस हो पा रहे हैं, तो मैं एकदम होल्ड करके बाइक चला पा रहा हूँ जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि जो इसका मीटर है कंसोल मीटर वो थोड़ा विजिबल कम हो रहा है, ये बात है कि मुझे विजिबिलिटी इसमें थोड़ी सी कम मिल रही है मीटर में, ये हैजार्ड स्विच दिया गया यहाँ पे, हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसका थर्ड गियर में पावर, ओ भाई साहब, भाई पावर तो मस्त है, बहुत अच्छा पावर दिया गया इसमें, टर्न करने में एकदम मक्खन, भाई साहब क्या रोर कर रही है, एग्जॉस्ट भी प्यारा है। तो इसकी जो सर्विस टाइम है वो भी 500-700 के बीच में, लाइक फर्स्ट सर्विस 700 किलोमीटर की है, उसके बाद आपको 3000 किलोमीटर का ब्रेक मिलेगा, और इसकी सर्विस कॉस्टिंग भी कम होने वाली है क्योंकि 125 सीसी की बाइक है, तो आपको इतना ज़्यादा लाइक पॉकेट पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला इस बाइक को लेके। ट्रैवलिंग भी अच्छी है इस बाइक की, लाइक जो सीट कम्फर्ट है वो भी अच्छा है, मैं आराम से बैठ के इस पर राइड कर पा रहा हूँ, तो 125 सीसी के हिसाब से बहुत प्यारी बाइक है यार, और कभी हुआ तो शायद मेरे पास भी हो सकती लाइक ये बाइक आएगी क्योंकि बहुत बहुत अच्छी लग रही है चलाने में, और जो इतना अच्छा रिफाइन इंजन किया हीरो ने, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा सा वर्क करेंगे, बट बहुत अच्छा वर्क किया यार सच में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगा हीरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, थम्स अप टू द हीरो।
जो 125R निकाली है, बहुत प्यारी और हमें टेस्ट राइड करने को मिली। देख रहे हो ब्रेकिंग कितनी प्यारी दी गई है, रिस्पॉन्स है बाइक में अच्छा, और ब्रेकिंग देख रहे हो मैंने अभी सडन ब्रेकिंग लगाई और बाइक ने एकदम परफेक्टली स्मूथ रिस्पॉन्स किया और हमारा टेस्ट राइड हुआ पूरा कंप्लीट। इसके साथ बाइक पर्सनली भाई बहुत औसम है यार, सच में बहुत प्यारी थी। और हम दो लोग बैठे थे, पता नहीं चला कि लाइक हम दो लोग राइड कर रहे हैं, इतना अच्छा इम्पैक्ट और इतना अच्छा पावर डिलीवरी थी। तो बाइक भाई बहुत प्यारी है, हीरो ने बहुत अच्छा वर्क किया है और मैं उसके लिए थम्स अप करूंगा कि इतना अच्छा बाइक और निकाला है हीरो ने। तो ये 125 सीसी में मैं सीधे पर्सनल ओपिनियन दूं, किलिंग बाइक है भाई, बाइक में दम तो है ये तो बात है। लाइक इसको मैं लेके 100-200 किलोमीटर आराम से कर लूँगा, बहुत अच्छा कंफर्ट है। जो होल्डिंग और ब्रेकिंग आई ना, मुझे लगा कि 125 सीसी में हो सकता है ब्रेकिंग में लैग करें या फिर कुछ ना कुछ प्राइस कटिंग करें, नहीं थी प्राइस कटिंग भाई, इंजन बहुत अच्छा है। मैंने जब गियर शिफ्टिंग की और पिकअप दिया तो रिस्पांस दिखता है, तो हीरो ने काफ़ी अच्छा इंजन ट्यूनअप किया है। सो बहुत अच्छा लगा ये बाइक राइड करके और यही था आज का वीडियो, होप वीडियो आपको अच्छा लगा। जो भी लोग भाई लोग इस बाइक को टेस्ट राइड या फिर इस बाइक को लेना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हीरो में आके जरूर चेकआउट करें। और यहाँ का स्टाफ बहुत यूज़र फ्रेंडली, आप आराम से आके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं और बाइक की बुकिंग ले सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो, होप वीडियो आपको अच्छा लगा। तो जल्दी मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दैट्स फॉर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।